वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है सुबह की चाय के साथ आपके लिए। आ चुके हैं, बात कर रहे हैं बॉलीवुड में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वाकई में बॉलीवुड में जो भी चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, और कहीं कहीं कलेक्शन की मामले की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खराब भी चल रहा है। मैं बात करूँ अभी बॉलीवुड में, मैंने पिछले हफ्ते या तीन दिन चार दिन पहले बात की थी बॉलीवुड में क्या चल रहा था, और उन मूवीज़ के फिर से मैंने नाम लिखे और फिर से एक बार चर्चा लेकर आ गया आपके लिए। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। सच बताना, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना। अब हम शुरू करते हैं आपके लिए कलेक्शंस। सबसे पहली बात आप लोग को बता दूं कि पानीपत रिलीज़ हो चुकी थी और पानीपत के बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए कलेक्शंस आ रहे थे, और इन कलेक्शंस में जहाँ बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, एक रोस्ट भी किया छोटा सा, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ पानीपत की, तो पानीपत के लिए मैंने लिखा है और पानीपत के लिए जो कलेक्शंस आए हैं पहले दिन के 4,12,00,000 के बताए जा रहे थे, और दूसरे दिन 5,78,00,000 के, और तीसरे दिन 7,78,00,000 के, और इसकी टोटल कमाई 17,68,00,000 की कमाई बताई जा रही थी। और लगभग अगर हम ये 4 दिन की कुछ कमाई थी और 5वें दिन की ये लगभग बढ़ के 20 करोड़ के लगभग हो गई होगी। वहीं बात करूं पति पत्नी और वो ने शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, पीरियड ड्रामा मूवी को पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है, और इस मूवी ने वाकई में कलेक्शन के मामले में देखा जाए तो धुआंधार कमाई की। इतना पैसा लगा पानीपत में और पति पत्नी और वो की कलेक्शन देख लो, 14,51,00,000 पहले दिन का बताया जा रहा है, और दूसरे दिन का 9,10,00,000, तीसरे दिन का 12,33,00,000, और चौथे दिन का लगभग बताया जा रहा है कि ये मूवी आई थिंक 35 करोड़ के लगभग पार कर चुकी है 35। और दूसरी तरफ जहां एक तरफ ये मूवी आपकी पीरियड ड्रामा मूवी 17 करोड़ और ये 35 करोड़ पार कर चुकी है, आप लोगों को क्या लगता है? और इसके आगे कमांडो 3 चल रही थी, लेकिन कमांडो 3 के 38 करोड़ के बाद 39 करोड़ के बाद अपडेट्स देखने को नहीं मिले। उसके बाद पागलपंती की बात करें तो पागलपंती मूवी ने जो कलेक्शन की बात की है, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इसकी कोशिश की देखने की, लेकिन इसके कलेक्शंस और ज़्यादा बढ़ नहीं पाए थे जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया। और तानाजी की बात करें तो तानाजी तो अभी रिलीजिंग के लिए बाकी है भाई। और वहीं मरजावा की बात करें तो मरजावा ने 46 करोड़ के आगे की मुझे कमाई नहीं दिखाई दी, इसलिए मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। और ये साली आशिकी की बात की जाए तो 2+2 का कलेक्शन हुआ था, उसके आगे इसका भी कोई नाम नहीं आया। और होटल मुंबई की बात करें तो होटल मुंबई ने बताया जा रहा था लगभग कि 7 या 9 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं बात करूँ कि दबंग और गुड न्यूज़ आने वाली है, तो उसके भी कलेक्शंस बहुत ही जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है इसकी और भी अपडेट्स लेकर आऊँगा। और आप लोग को बता दूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को थोड़ा सा वो जो मैं अभी बॉलीवुड द बिगनिंग के एपिसोड्स बना रहा हूँ उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि बॉलीवुड जब से शुरू हुआ था तब से मैं सोच रहा हूँ कि नए नए एपिसोड्स बना के आप लोगों के लिए कुछ अलग लाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए बॉलीवुड चलोगे में सब्सक्राइब करिए, और हम चलते हैं आपसे विदा लेते हैं। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाय बाय।